हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल और नॉट? मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं? एक बार आ रही है आवाज़, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। चलिए ठीक है, बढ़िया बढ़िया। Good evening everyone. My voice is clear or not? एक बार कमेंट करके बता दीजिए, रिप्लाई कर दीजिए एक बार। चलिए, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। हम यूनिट 7 को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर यूनिट 7 के प्रीलिम्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हमने फिजिक्स केमिस्ट्री ख़त्म कर लिया है, बाकी चीज़ें हम भी ख़त्म कर चुके हैं और हम खाद्य प्रौद्योगिकी मतलब फूड प्रोसेसिंग के भी एंड प्रोसेस पे हैं। उसके बाद हम स्वास्थ्य नीति और इनके ऊपर देखने वाले हैं। इसके पहले मैं देख लेता हूँ, मैं रिवाइज कराने की कोशिश करूँगा। जो भी आज नए जुड़ रहे हैं उनके लिए रिविज़न सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं अभी भी कह रहा हूँ दोस्तों, नया पढ़ने पर तो ध्यान मत दीजिए, जितना आपको रिविज़न पर ध्यान देना है। रिवीजन मतलब क्या है कि आप जितनी चीज़ अगर उसको आप अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहने वाला है, ठीक है? तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, रिवाइज करते चलिए। जितना आपने पढ़ा है उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए और एक ही सोर्स से पढ़िए। अगर आप यूनिट 7 मुझसे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर यूनिट 7 प्लीज़ मुझसे ही पढ़िएगा। अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हैं तो वहीं से पढ़िएगा। पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहा हूँ। अगर आपको कोई टॉपिक की कमी कहीं नज़र आती है तो आप वहाँ से जाके रिसोर्स में यहाँ से क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज एक ही चीज़ को आप हर जगह से ना पढ़िएगा। हो सकता है कि मैंने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डाली हो या कुछ चीज़ें नहीं डाली हो, है ना? तो उन हिसाब से आप उनको एडजस्ट कर लीजिएगा। ये मेरा आपको सजेशन है। तो चलिए, तो यहाँ पर आप मुझे देख रहे हैं MPK 360 चैनल पर। इसके अलावा 2 चैनल और भी है, आप जानते हैं अच्छे से, लेट्स क्रैक MP एग्ज़ाम एंड अभियान। यहाँ पे भी क्या है कि आपकी प्रिपरेशन MPPSC की प्रिपरेशन कराई जा रही है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल्स पे भी जुड़िए। यहाँ से जो भी क्लासेस के PDF होते हैं वहाँ पर फ्रीली अवेलेबल होते हैं, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन में यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म में कोर्सेज अवेलेबल है, जो कि टॉप एजुकेटर्स के, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ने यहाँ पर कवर किया है डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्स के लिए। और प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के फ़ायदे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है। यहाँ पे टेस्ट कराए जाते हैं, लाइव टेस्ट किए जाते हैं, क्विजेस कराए जाते हैं, स्ट्रक्चर कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पे सारे फॉर्मेट में, पर्टिकुलर एग्जाम ओरिएंटेड। और एक बार अनलिमिटेड एक्सेस है, मतलब एक बार आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो आप जहाँ चाहें जितने चाहें एजुकेटर के साथ जितने टाइम पर ऑनलाइन या जो भी, और अगर आप मिस करते हैं उसको ऑफलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पर डेडिकेटेड यहाँ पर सेशंस होते हैं, डाउट क्लियर क्लासेस वहाँ पर भी कंडक्ट कराई जाती हैं। तो ये सारे फ़ायदे हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के। इंडिविजुअली यहाँ पर क्या जाता है, ध्यान रखा जाता है। अगर आप किसी भी टाइप की प्रिपरेशन में डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं तो ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर है ना दोस्तों? ये मेरा इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा अगर आपने अनअकैडमी के लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज़ इसको पहले डाउनलोड कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को टाइप करना है, इंस्टॉल का ऑप्शन आना है। इंस्टॉल का ऑप्शन आने के बाद आपको वहाँ पर इंटरफेस नज़र आएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पे आपकी जो फ्री स्पेशल क्लासेस अवेलेबल हैं वो भी आप क्या कर पाएंगे, आसानी से देख पाएंगे। वहीं अगर आप यहाँ पर किसी एग्ज़ाम का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। इस तरह के इंटरफेस में क्या है कि फर्स्ट 3 मंथ, सर से 24 मंथ के यहाँ पर प्लान्स अवेलेबल हैं, जो आप क्या कर सकते हैं उसकी फीस पे कर आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर रिकमेंडेड करूँगा मैं आपको 12 मंथ और 24 मंथ के लिए। अगर आप इनिशियल स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियल फेम में अपना स्टार्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम को, 7000 फीस है 12 मंथ की, 24 मंथ की फीस है 8400, क्योंकि आपको इस कोड का यूज़ करने के बाद 10% का डिस्काउंट के साथ चीज़ें मिलती हैं। वही मिलती है यहाँ पर सिर्फ 6300 एंड 7560 का 24 मंथ का प्लान, मतलब 2 साल का प्लान आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये हो गया उन स्टूडेंट्स की हेल्प जिसको यहाँ पर समझने की रिक्वायरमेंट इसकी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से बता दूँ आपको, यहाँ पर मौलिक सिद्धांत के बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट अपन जो लेने वाले हैं स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम। आगे प्रश्न को अपन ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। यहाँ पर मैं रिवाइज कराते हुए चलूँगा आपको। अभी जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको अपन दोबारा रिवाइज करेंगे। जो भी स्टूडेंट अगर नए जुड़े हैं वो एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि उनकी कौन सी क्लास है, क्या वो प्लस क्लास देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, if you face any kind of difficulties in the sound, please write them in the comment section। किसी तरह की अगर वॉइस की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट जो बताई थी आपको, मोल का याद रखना है। मोल को माना जाता है क्वांटिटी में, मात्रा में, है ना। ये क्या है, ये बेसिक यूनिट से 7 यूनिट्स को मानी गई है, जिससे अपन अदर यूनिट्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से अपन अदर यूनिट्स का क्या करते हैं, इस्तेमाल करके निकाला जाती है ना। ये बेसिक यूनिट है जो यहाँ पर डिफाइन की गई है। कैंडेला की बात याद रखिएगा, लुमिनस इंटेंसिटी इसकी क्या होती है, यूनिट होती है, इकाई होती है, हिंदी में करता है। प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है कैंडेला में, ना। किसी भी चीज़ की मात्रा को माना जाता है मोल में। मैंने 1 मोल का यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में पता चल रहा हूँ। 1 मोल मतलब कितना होता है, 1 मोल मतलब होता है 6.023 × 10⁻²³, है ना। ये संख्या बहुत बड़ी है। मैंने आपको इसका एग्जाम्पल में बता चुका हूँ मैं, क्या होती है। 1 मोल शुगर का मतलब क्या होगा, 1 मोल शुगर मतलब 1 मोल शक्कर का मतलब क्या होगा, उसमें जो शक्कर के दाने होते हैं ना, उसकी पावर वो क्या था, होना चाहिए नंबर में होना चाहिए 6.023 × 10⁻²³। मतलब 1 मोल शुगर मतलब का मतलब क्या है, उसके अंदर इतने नंबर ऑफ क्रिस्टल्स होंगे। वो केजी में या ग्राम्स में नहीं होगी, अपन उसको किस में मानेंगे, उसके नंबर ऑफ क्रिस्टल्स उसमें कितने हैं उसको अपन बोलेंगे 1 मोल ऑफ शुगर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसे इतना ही इंपॉर्टेंट था ये। फिर अपन ने ये इम्पोर्टेंट यूनिट देखी थी। अगर इस स्लाइड में देखें तो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, ये आपको याद रखना है कि कार्य और ऊर्जा की इकाई, है ना। यहाँ पे कार्य और ऊर्जा, है ना, कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई क्या होती है, दोनों की इकाई जूल होती है। ठीक है, दूरी और विस्थापन में हम अंतर देख चुके हैं, है ना। वीडियो विस्थापन में अंतर देख चुके हैं आपको, बहुत आसान है, ये दोबारा बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वेलोसिटी और त्वरण में हम अंतर देख चुके हैं। वेलोसिटी क्या होती है, किसी भी यहाँ पर चली गई दूरी कितने समय में तय की गई है उसको अपन क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। अगर वेलोसिटी में अगर चेंज आता है, मतलब अगर कोई बाइक का एग्जाम्पल ले या कार का एग्जाम्पल ले, वो कभी कॉन्स्टेंट स्पीड चलते हुए अगर वो स्पीड बढ़ रही है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या हुई है, बड़ी है। तो वेलोसिटी में क्या आ रहा है, वेग में क्या आ रहा है, एक धनात्मक परिवर्तन आ रहा है। तो धनात्मक परिवर्तन के अपन उसको क्या कहेंगे, एक ये धनात्मक त्वरण है। ठीक है, स्पीड क्या रही है, बढ़ रही है, पर कम होगी तो अपन क्या बोलेंगे, उसको ऋणात्मक त्वरण कहेंगे। इंग्लिश में देखा जाए तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और क्या कहते हैं उसको, निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन के साथ साथ अपन इसको क्या कहते हैं, कहाँ गया वर्ड, डिटार्डेशन, है ना। डिटार्डेशन भी इसको क्या कहते हैं अपन, डिटार्डेशन भी कहते हैं। चलिए ठीक है, सॉरी रिटार्डेशन, द वर्ड इज रिटार्डेशन, रिटार्डेशन है रिटार्डेशन। ओके, इंग्लिश में से कहे तो जब स्पीड कम होती है जिसको बोलते हैं रिटार्डेशन कहते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गति के प्रकार की गति, यहाँ पर आपको याद रखना है प्रक्षेप्य गति। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, किसी वस्तु को किसी स्थान के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर रेखा में त्रिभुज कोण बनाते हुए फेंका जाता है तो वस्तु एक परवलयाकार पथ, ये इस शब्द को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। परवलयाकार पथ का अनुसरण करती है। इंग्लिश में अगर देखें तो वो क्या करती है, एक पैराबोलिक पाथ को क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। ठीक है, याद रखिएगा इसका। इस टाइप से अगर आप देखिएगा, ये जो भाला फेंका जाता है इस तरह से, है ना, तो वो क्या गिरता है, कुछ इस तरह से गिरता है। अगर ज़मीन पर देखें तो वो क्या कैसे गिरता है, इस तरह से गिरता है वो, है ना, इस तरह से रहता है वो, ऐसा नहीं होता है वो। ठीक है, तो इस टाइप के मोशन को अपन क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। आसान है चलिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट है ना। भार और द्रव्यमान के बीच में अंतर, मतलब वेट और मास के बीच में अंतर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर, इसके एग्जाम में पूछने आने के चांसेस हैं, तो याद रखिएगा। ये अदिश राशि है मास, है ना, ये क्या होती है, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब ये एक सदिश राशि है। सदिश और अदिश में मैं अंतर बता चुका हूँ। अदिश राशि वो होती है जिसमें दिशा की रिक्वायरमेंट, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, जबकि वेट में क्या होता है, सदिश राशि क्या होती है, सदिश में आपको वहाँ पर परिमाण के साथ साथ उसकी क्या दिशा भी दिखाने, दिशा भी दिखाने की आवश्यकता होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। ये बेसिक अंतर होता है, बेसिक डिफरेंस होता है सदिश और अदिश में। तो मास यानी द्रव्यमान, वहाँ पर क्या है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। ठीक है, कि वेट क्या है, वेट एक सदिश राशि है, वेट मतलब भार, और ये एक तरह का क्या होता है, बल होता है। ठीक है, एक तरह का क्या होता है, बल होता है। आगे बढ़ते हैं अपन। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, सिंबल तो आपको याद ही है इसका। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, याद रखिएगा। द्रव्यमान की मात्रा कभी भी जीरो नहीं हो सकती, किसी न किसी चीज़ का कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा ही होगा। ठीक है, चीज़ में इतनी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चलिए ठीक है ना, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या देखी थी, बहुत लंबी यूनिट होती है, जो क्या होती है, पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी के लिए निकाली जाती है, उसका मान इतना होता है, याद रखिएगा। एक और चीज़ कहती है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर, यहाँ पे ईयर का वर्ड यहाँ पे क्या है, ईयर आने के कारण याद रखने वाली चीज़ मैंने क्या बताई थी, ये समय की इकाई नहीं है, ये दूरी की इकाई है। ठीक है, ये एक दूरी की इकाई है, याद रखिएगा। फिर इसमें याद रखिएगा पार्सेक भी एक तरह की क्या होती है, खगोलीय यूनिट होती है, तो याद रखिएगा पार्सेक सबसे बड़ी यूनिट होती है। फिर आता है लाइट यूनिट, और एयू उसमें क्या होती है, कंपेरिजन में करें तो एयू क्या होती है, सबसे कम दूरी की इकाई होती है। ठीक है, केबले बैलेंस यहाँ पे याद रखिएगा, केबले संतुलन, प्लांक कांस्टेंट, विद्युत चुंबकीय बल के आधार पर द्रव्यमान की नई परिभाषा दी गई थी, मास की नई डेफिनेशन दी गई थी। इसमें आपको पॉइंट याद रखना है, केबले बैलेंस याद रखिएगा इस चीज़ को, बल की इकाई न्यूटन होती है, याद रखिएगा। बल के प्रकार देख रखे थे अपन ने, न्यूक्लियर फोर्स देख रखा था अपन ने, वांडरवाल फोर्स देखा था, गैसों के मध्य पाए जाने वाले फोर्स को वांडरवाल फोर्स कहते हैं। टॉर्क, टॉर्क मतलब क्या होता है, टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं अपन टाउ से, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या होता है, जितना भी इधर फोर्स लगाया गया है ना, और इसे यहाँ पे क्या होता है, मैंने बता चुका हूँ आपको, ये किसी चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट पे अगर यहाँ पे कोई फोर्स है ना, इसके अराउंड यहाँ पे क्या है, फोर्स लगाया जाता है, ये क्या होगी, अगर अपन ने फोर्स इधर लगाएंगे तो ये क्या होगी, इधर से उठ जाएगी ऊपर, है ना, तो क्या होगा, बलागुण काम कर रहा है। यही द्रव्यमान की क्या होती है, इसका फोर्स क्या होता है, उसकी लंबाई के जितनी भी लंबाई है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके, इस फोर्स के। ये फोर्स क्या है, हम लगाते हैं, ये फोर्स हम लगाते हैं, ये फोर्स हम लगाते हैं, उससे हमको बलागुण की प्राप्ति होती है, बलागुण उनसे हमको मिलता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है आसानी से समझ चुके हैं। सबसे एक ये बहुत कमज़ोर फोर्स है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, ये एक बहुत ही कमज़ोर फोर्स माना गया है। फॉर्मूला में आपको याद रखना है इसका m1 m2/r², याद रखिएगा। इसका r का स्क्वायर है, r नहीं है ना। हर चीज़ में आपको पता चल रहा हूँ कि किस चीज़ को आपको याद रखना है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस चीज़ में आपको क्या याद रखना है ना। ग्रेविटेशनल गुरुत्वीकरण का फॉर्मूला याद रखिएगा। इसका सूत्र होता है Gm/r²। ये इससे अपन निकाल लेते हैं किसी भी ग्रह का g का मान कितना होगा। जी का मान क्या करता है, वेरी करता है, बदलता रहता है प्लेनेट टू प्लेनेट। ओके, फिर न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन देखा था अपन ने। प्रथम नियम जड़त्व का नियम होता है, याद रखिएगा। जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, प्रथम नियम है। तो जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर अवस्था में रहेगी, जो गति में है वो गति में रहेगी अंटिल अनलेस उसके ऊपर अपन, जब तक कि अपन उसके ऊपर कोई भी एक बाहर से फोर्स न लगा के उसको रोका या उसकी गति को बढ़ाया, उसकी गति को घटाया न जाए। ठीक है, जैसे कि फुटबॉल का एग्जांपल देखिए। फुटबॉल को अगर अपन किक मारते हैं तो तब तक चलती रहती है, तब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है। उसके ऊपर फोर्स कौन सा लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स उसको क्या करता है, रोकता है ना। तो न्यूटन्स के सेकंड लॉ भी हमने देख चुके थे, सेकंड लॉ के एग्जाम्पल देख चुके थे हम, थर्ड लॉ भी देख चुके थे हमने। यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ मैंने आपको बताई थी। क्या याद रखना है आपको, भौतिक मात्राओं के माप के उपकरण में अमीटर को याद रखना है अपन। विद्युत धारा मापा जाता है, करंट को मेजर किया जाता है अमीटर के द्वारा। अमीटर एक तरफ का यंत्र होता है जिसके थ्रू अपन उस किसी भी कंडक्टर में या किसी भी सर्किट के अंदर कितना करंट है एम्पियर के फॉर्म में, उसको अपन क्या कर लेते हैं, नाप लेते हैं। ठीक है, हाइग्रोमीटर मतलब आर्द्रता मापी के थ्रू अपन आर्द्रता मापते हैं, ह्यूमिडिटी मापते हैं। बैरोमीटर से अपन प्रेशर को मेजर करते हैं। लक्समीटर से इल्यूमिनेशन प्रकाश की मात्रा को मापा जाता है। ऑडियोमीटर से अपन किसी भी साउंड की इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, पलायन वेग, यहाँ पर पलायन वेग की बात करें तो पलायन वेग क्या होता है, पलायन गति वह गति होती है जो किसी भी ग्रह के मुक्त होने और उसे छोड़ने के लिए किसी वस्तु को यात्रा कराने की आवश्यकता होती है ना। मतलब ये क्या होता है, मिनिमम वेग होता है। उस मिनिमम वेग को हमको की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज़ को क्या होती है उस प्लेनेट से इस तरह से फेंकने की कि वो वापस उसकी पृथ्वी पर या उसकी कक्षा में वापस लौट ना पाए, किस कारण से, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से। ठीक है, इसका मान क्या होता है 11.2 km/s। ये नंबर को आपको भूलना नहीं है, ये एग्जाम में पूछा गया है। 11.2 किलोमीटर, ये इसकी इकाई याद रखिएगा, km/s है ना। 11.2 km/s ये किसका मान है, इसका नाम है ये मान है पृथ्वी का। ठीक है, फिर इसमें से दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं कि भूमध्य रेखा के पास ज़्यादातर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र क्यों है और चंद्रमा पर कोई वायुमंडल क्यों नहीं है। ये भी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, जो किसी भी सैटेलाइट को है ना एक सर्कुलर मोशन में यहाँ पर मोशन कराने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसको अपन कहते हैं कक्षीय वेग या ऑर्बिटल वेलोसिटी। याद रखिएगा, कक्षीय वेग से ज़्यादा होता है पलायन वेग, है ना। ये भी आपको याद रखना है। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स में आपको क्या रखना है कि केंद्र पर, सेंटर पर क्या होता है, केंद्र पर जी के मान को अपन ने शून्य माना है, केंद्र पर जी के मान को अपन ने शून्य माना है। साथ ही नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ आने पर, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर जी के मान में कमी आती है। ठीक है, याद रखना है आपको ये बात भी। फिर अपन देखिए केपलर का मान, देखिए केपलर का लॉ देखे थे अपन ने। केपलर ने 3 नियम दिए थे। केपलर ने कहा था कि सारे ग्रह क्या होते हैं, एक वृत्ताकार है ना, सॉरी वृत्ताकार हमने माना था, सोच के चले थे, लेकिन वो वृत्ताकार पथ में ना घूमते हुए किस पथ में घूमते हैं, वो दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार शब्द को आपको याद रखना है, क्या होते हैं वो दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमते हैं। तो सेकंड लॉ क्या देखा था, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमता है तो समान समय में समान त्रिज्यीय क्षेत्र को कवर करता है। ये बात आपको याद रखनी है। थर्ड लॉ में क्या कहता है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है तो परिक्रमण काल का वर्ग उस प्लेनेट की दूरी के वर्ग के घन के समानुपाती होता है। मतलब ये सूत्र आपको याद रखना है ना। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे वर्ग है और यहाँ पर घन है, क्यूब है ना। इसको आपको याद रखना है। जो भी यहाँ का ऑनलाइन है, ऑनलाइन चेक में अवेलेबल है, वो एक बार कमेंट करके बता दीजिए। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ये समझ में आ रही है ना? आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर पृथ्वी और बृहस्पति के बीच की तुलना हमने देखी थी। ये नंबर आपको याद नहीं रखना है, मोटे मोटे तौर पर आपको इसको याद रखना है कि इनमें क्या अंतर होता है। कार्य मतलब वर्क, इसका हमने देख रखा था। बल गुणित विस्थापन, भूलिएगा नहीं, यहाँ पर बल है और विस्थापन है। इनके बीच के जो मल्टीप्लाई होता है, इनके बीच में गुणनफल जो होता है, वह कार्य को परिभाषित करता है। ठीक है, न्यूटन मीटर है ना, न्यूटन मीटर क्यों? क्योंकि बल को अपन न्यूटन में मेजर करते हैं, तो विस्थापन को अपन दूरी में करते हैं। दूरी अपन मीटर में भी हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है। मीटर अपन ने क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट मानी है, इसलिए क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर क्या होती है, कार्य की मात्रा होती है। और जूल भी क्या होता है, जूल भी इसको मान लेते हैं, कार्य को अपन जूल में मेजर करते हैं, है ना, जो कि ऊर्जा की तरफ देखा गया है। तो एक जूल कार्य का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर अगर वो 1 मीटर की दिशा में उसी दिशा में क्या होती है, विस्थापित हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हमने उस वस्तु पर 1 जूल का कार्य किया है। ठीक है, बल दर हमने देखा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में क्या होता है, अगर अपन फिजिक्स में इसको क्या करते हैं, मैथ्स के कैलकुलेशन यहाँ पर इसको कंपोनेंट को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर हम क्या पाते हैं कि ये होता है साइन थीटा, है ना, ये साइन थीटा का पोर्शन होता है। कॉस थीटा क्या करता है, वस्तु को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इतना डीप में आपको जाना नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि कॉस थीटा यहाँ पर आएगा, जो इस वस्तु को क्या होगा, ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूजन देने के लिए यहाँ पे क्या होता है, कॉस थीटा की जगह क्या दिया जाता है, साइन थीटा दिया जाता है। चलिए ठीक है ना, इसको मैंने एग्जाम्पल के तो बता चुका हूँ, आपको शॉर्ट में बता चुका हूँ, याद रखिएगा। इस तरह से ये फॉर्मूला है इसका, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत कम है, मैं बोल रहा हूँ, वैसे तो चांसेस नहीं है। यहाँ पर 100 क्वेश्चन को आपको करना होता है, समय कम होता है, इसलिए इसमें न्यूमेरिकल देने के चांसेस नहीं, बट फॉर्मूला पूछा जा सकता है। ठीक है, हमको पूरा ध्यान रखना है, हमको इस तरह से पढ़ते हुए चलना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, वो भी हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। वो भी आपको मदद कर रहा हूँ। धनात्मक ऋणात्मक और शून्य कार्य मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्ग, ये 3 तरह के कार्य होते हैं, याद रखिएगा। पॉजिटिव मतलब क्या, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे उसी डायरेक्शन में अगर कोई पिंड आगे मूव कर रहा है ना, ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। नेगेटिव, अगर फोर्स लगा है किसी डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर उसका मूवमेंट हो रहा है, उसको नेगेटिव। और जीरो मतलब अगर वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, तो उसको अपन जीरो वर्ग बोलते हैं। ऊर्जा के हमने प्रकार देखे थे, इन सारी चीजों को हम देख चुके हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो मैं आपको बताता हूँ। इम्पोर्टेंट चीज याद रखिएगा, पूर्णांतरिक परावर्तन। पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन होता है जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, याद रखिएगा यहाँ पे माध्यम कौन, सघन से विरल माध्यम में जा रही है, उल्टा इसका अप्लीकेबल नहीं होगा पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए। ठीक है, याद क्या रखना है आपको, यहाँ पर सघन माध्यम से विरल माध्यम की प्रवेश कर रही है, तो जो आपतन कोण का मान है, आपतन कोण मतलब क्या, जो आपतित किरण है जो इसके ऊपर इंसिडेंट रे है, वो जिस एंगल से गुजरी है, तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अगर अधिक हुआ, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अपन डिफाइन करके रखते हैं, पहले से अपन परिभाषित कर देते हैं, पहले से अपन निकाल के रखते हैं कि किसी भी चीज़ का क्रांतिक कोण क्या है, क्या उसका क्रिटिकल एंगल है। तो तो अगर वो क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा एंगल हो जाता है, अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो क्या होता है, इस स्थिति में परिवर्तित किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है ना। ये माध्यम कौन सा, सघन माध्यम है, तो जाना क्या चाहिए था, इसको सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए था, बट हुआ क्या, आगे ना बढ़ते वो क्या हो गई, उसी माध्यम में लौट आई। यह घटना क्या कहलाती है, यह घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इंग्लिश में से कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। पहला पॉइंट क्या याद रखना है इसमें, कि आपको पूछा जाने वाली चीज़ यहाँ पे क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम। माध्यम क्या होना चाहिए, सघन से विरल में जाना चाहिए, विरल से सघन माध्यम में होने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं होगी। ठीक है, कई बार ये पूछा जा सकती है चीज़ें, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंडीशन क्या है, आपतित किरण कांतिक कोण से अधिक कोण पर जानी चाहिए, इस टाइप से घटना है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हुआ, इंसिडेंट रेंज क्या है, क्रिटिकल एंगल से कम है, इसलिए क्या होगा, इसको पार करके चली गई। ठीक है, यहाँ पे क्या आती है, इंसिडेंट रेंज की ज़्यादा है, यहाँ पे क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट कर गई। ओके, एग्जाम्पल है ऑप्टिकल फाइबर। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, ऑप्टिकल फाइबर किस बेस पर प्रिंसिपल है, तो याद रखिएगा ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश तंतु हिंदी में से कहा जाता है, वो क्या है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के ऊपर क्या है, आधारित है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन लिखा था अपन ने। दृष्टि दोष का नाम अगर देखिए तो दृष्टि दोष मतलब क्या होता है, आंखों में ठीक से दिखाई न देना। अगर हमको पास का ना दिखाई देता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। सॉरी, अगर हमको दूर का दिखाई देता है तो उसको अपन बोलते हैं पास, मतलब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इसको अपन मायोपिया इंग्लिश में कहते हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को मतलब पास की चीज़ें तो दिखाई देती है, दूर की चीज़ें देखने में क्या होती है, तकलीफ आती है या दिखाई नहीं देना, को अपन क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका उल्टा आपको मैंने बता चुका था, दूर दृष्टि दोष में याद रखना है, नॉर्मल विजन, मायोपिया, ये सब चीज़ें हमको देखना है। फिर आए थे अपन साउंड के ऊपर, इसमें देखने के बाद साउंड को अपन ने देख रखा था क्या होता है, कंपन के कारण, है ना, क्या कारण है, कंपन के कारण, वाइब्रेशन के कारण होता है। ध्वनि को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, कि ध्वनि बिना माध्यम के प्रवेश या कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं हो सकती है। माध्यम इसके लिए क्या है, बेसिक चीज़ है माध्यम का होना। फिर संचरण क्या होता है, विक्षोभ उत्पन्न करता है, इन सब चीज़ों को अपन ने देख रखा था। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो पूछा जाता है जनरली क्वेश्चन, कि ध्वनि का वेग का क्रम क्या होता है, याद रखिएगा ठोसों में सबसे अधिक, उसके बाद तरल और उसके बाद हवा। ठीक है, और अगर यहाँ पर निर्वात आएगा तो निर्वात में ध्वनि ट्रेवल नहीं कर पाएगी, ध्वनि निर्वात में आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सोनार इंपॉर्टेंट है, सोनार को किसे काम करता है बता चुका हूँ मैं आपको। साउंड एंड नेविगेशन, है ना, यहाँ से क्या है, साउंड एंड नेविगेशन, याद रखिएगा इसको। साउंड एंड नेविगेशन इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पे क्या होती है, ट्रांसमिट होती है एक जगह से, ट्रांसमिट होकर किसी भी ऑब्जेक्ट से। जल के लिए इंपॉर्टेंट है, याद क्या रखना है, वाटर बॉडीज के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन देखें तो वेव का बाद में देखा था अपन ने, किस तरह से वेव करती है। चालक का देखा था अपन ने, चालक क्या होते हैं, जो विद्युत के वाह को, विद्युत के प्रवाह को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। विद्युत का प्रवाह जिसमें हो सकता है उसको चालक कहलाते हैं। कुचालक को देखा था यहाँ पर। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, आपको याद रखना है, चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, समानुपाती नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, व्युत्क्रम मतलब है, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी क्या होती है, कम होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं व्युत्क्रम होना किसी चीज का। ठीक है, सर्किट देखा था, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है ये भी आपको बता चुका था मैं। अमीटर, इसमें याद रखना है आपको, अमीटर क्या होता है, अमीटर से अपन विद्युत धारा को मापा जाता है। विद्युत धारा के मापन, है ना, विद्युत धारा के मापन के लिए अमीटर का यूज करते हैं। विभवांतर, विभवांतर होने से ही क्या होती है, करंट पैदा होती है। जब तक विभवांतर, वहाँ पर विभव का अंतर नहीं होगा, पोटेंशियल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा वहाँ पर, जब तक क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो कराने के लिए हमको पोटेंशियल में डिफरेंस लाना आवश्यक होता है, याद रखिएगा। वोल्ट मीटर से वोल्टेज को मापा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। विद्युत धारा, याद रखिएगा, विद्युत धारा की इकाई को ना भूलिएगा, एम्पियर, है ना। और विद्युत धारा को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा। एक को गैल्वेनोमीटर के थ्रू अपन क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का कि कितना करंट फ्लो हो रहा है वो अपन किसके थ्रू देखते हैं, गैल्वेनोमीटर के थ्रू देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। गैल्वेनोमीटर ये सब याद रखिएगा। एम्पीयर इसकी क्या है, इकाई है। चलिए ठीक है, बढ़ाए आगे बढ़ते हैं। आगे अपन ये भी इतना अपन याद रखेगा, V इक्वल्स टू आई आर क्या होता है, ओम का नियम होता है। प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है, चालक में आगे बढ़ने के लिए जो करंट होता है उसके प्रतिरोध को अपन क्या कहते हैं, जो विरोध पैदा करता है उसको अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ये भी हम देख चुके थे, विद्युत फैराडे का नियम देखा था, ये इंपॉर्टेंट है। फैराडे का इंडक्शन का नियम याद रखिएगा। किसी भी जो इसमें क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत चुंबकीय गुण होते हैं, विद्युत चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय गुण पाए जाने वाली वस्तु में, उस मेटल में अपन क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा उसको अपन चुंबकीय बल, चुंबकीय वस्तु बनाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यहाँ पे एक टाइप का बल यूज होता है, वो क्या होता है, उसमें कितना अपन फ्लक्स में चेंज कर रहे हैं, अपन उसमें जितना फ्लक्स में विद्युत बल रेखाओं में जितना अंतर आएगा, चेंज आएगा, उसके अपन क्या कहते हैं, इसके फॉर्मूला होता है। और एन क्या है यहाँ पर, जितनी यहाँ पर उसके कितने बार उसको लपेटा गया है ना, उस वायर को कितनी बार लपेटा गया है, उसको अपन संख्या एन होती है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पर 4 टाइप के यहाँ पे क्या होते हैं, चुंबकीय पदार्थ होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले होते हैं, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय याद रखिएगा मतलब क्या होते हैं, जो विपरीत दिशा में थोड़े चुंबकित हो जाते हैं, जो क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जो क्या होते हैं, थोड़े से मैग्नेटाइज हो जाते हैं। जैसे जस्ता, तांबा, चांदी, सोना इत्यादि जो होते हैं, वे क्या होते हैं, विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं के संपर्क में आने पर क्या होते हैं, विपरीत दिशा में क्या होते हैं, चुंबकित हो जाते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं प्रतिचुंबकीय, है ना, डायमैग्नेटिक इसको बोलते हैं इंग्लिश में। फिर अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक मतलब क्या रखने पर क्या होते हैं, वो थोड़े चुंबकीय हो जाते हैं। अब उनको रखेंगे थोड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखने पर वो थोड़े चुंबकित हो जाएंगे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं अनुचुंबकीय। लौ चुंबकीय क्या होते हैं, जो बहुत तेजी से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा तरीके से क्या होता है अट्रैक्ट हो जाते हैं चुंबकीय, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रखने पर चुंबकीय दिशा के में क्या होंगे प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। इससे लोहा और कोबाल्ट क्या होता है, इनमें बहुत आसानी से क्या होता है यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है, डेवलप हो जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। केमिस्ट्री में अपन इन्वॉल्व हो गए थे, केमिस्ट्री में अपन ठोस, द्रव और गैस के बारे में देख चुके हैं। ठोस क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं उनके अणु क्या होते हैं अंतराणविक बल क्या होता है उनमें बहुत ज़्यादा तरीके से हावी होता है ना, और प्रबल रूप से वहाँ पर काम करता है अंतर आणविक बल। हिंदी में इंग्लिश में से कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो याद रखिएगा। ठोसों में क्या होता है, ठोसों में अंतराणविक बल बहुत अधिक पाया जाता है, उसके अलावा उसके फिर द्रव में पाया जाता है, फिर गैसों में। और प्लाज्मा एक अलग तरह की स्टेट है जो ना तो गैस में होती है, ना तो गैस को भी अलग होती है, ना वो ठोस में आता है और ना ही वो क्या आता है द्रव में आता है। जैसे बिजली चमकती है तो बिजली चमकने वाली जो घटना में बिजली दिखाई देती है वो क्या होती है एक तरह की प्लाज्मा की स्टेट है। ओके, देखिएगा है ना, वेल्डिंग, इससे वेल्डिंग भी होती है, तो जो आपका जो वेल्डिंग के दौरान जो चिंगारी बोल सकते हैं है ना, वो जो उत्पन्न होती है वही क्या किसका एग्जाम्पल है, वही यहाँ पर प्लाज्मा की स्टेट का, प्लाज्मा का एग्जाम्पल है। गलनांक और नांक अंतर देख चुके थे और बड़ी बात है नहीं है। सॉल्यूशन में आपको इस सॉल्यूशन में क्या रखना है, सॉल्यूशन में आप याद रखिएगा विलेय और विलायक मिलकर यहाँ पे बेसिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं, विलेय और विलायक जब मिलते हैं तब विलयन बनता है। विलय हमेशा कम मात्रा में, जबकि विलायक क्या होता है अधिक मात्रा में होता है। उसके बाद आपको याद रखना है इसमें कोलाइड विलयन को इम्पोर्टेंट है। कोलाइड विलयन क्या होता है, असल में वह विषमांगी होता है, दिखता वो है समांगी, होता वो होमोजीनियस है लेकिन होता क्या हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस या समांगी विषमांगी में अंतर ये होता है कि विषमांगी क्या होता है अलग अलग होते हैं है ना, वो एक जैसे हो ही नहीं पाते, मिक्स नहीं हो पाते हैं, हेट्रोजीनियस उन्हें कहते हैं। होमोजेनियस मतलब क्या एक जैसे हो गए है ना, एक जैसे के हो गए, आप उसमें क्या है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे सोल्यूशन में, उसको आसानी से केमिस्ट्री की जो हेल्प है, केमिस्ट्री के थ्रू अपन उसको क्या कर रहे हैं डिफरेंट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब केमिकल प्रोसेस के थ्रू अपन क्या कर रहे हैं उसको डिफरेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसको अपन कहेंगे होमोजीनियस। समांगी जिसको अपन कर सकते हैं उसको अपन कहते हैं विषमांगी। बेसिक अंतर आपको समझ में आ गया। तो कोलाइड विलयन क्या होते हैं, वो दिखते ऐसे हैं कि उनको अलग नहीं किया सकता, बट वो एक्चुअली में उनको अलग किया सकता है केमिस्ट्री के थ्रू, उनको अपन क्या कहते हैं कोलाइड विलयन कहते हैं। कोलाइड विलयन के ऊपर है क्योंकि ये केमिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट है, कोलाइड विलयन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। कोलाइड विलयन की एक क्वेश्चन तो क्या आ सकता है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये कोलाइड विलयन क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, टिंडल प्रभाव को ये दर्शाते हैं। कौन से विलयन, केवल एक प्रॉपर्टी की, केवल कोलाइड विलयन में क्षमता होती है जो टिंडल प्रभाव को दर्शा सकें, ठीक है, टिंडल इफेक्ट को शो कर सकें। द केपेबल ऑफ शोइंग टिंडल इफेक्ट ओनली दे आर कॉल्ड कोलाइडी सोल्यूशन। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल बता चुका हूँ इस चीज़ का। फिर याद रखिएगा निलंबन। निलंबन क्या होता है, निलंबन जो पूर्ण रूप से घुलते नहीं है है ना, जो परीक्षित अवस्था मतलब सस्पेंडेड फॉर्म में है ना, डिस्पर्स स्टेट में रहते हैं वो, उसको अपन क्या कहते हैं, सस्पेंडेड स्टेट में रहते हैं उनको अपन क्या कहते हैं निलंबन कहते हैं, या कहते हैं सस्पेंशन की घटना है ना, सस्पेंशन फिनोमिना। ये एक विषमांगी मिश्रण होता है, इसमें उपस्थित कण नंगी आंखों से दिखाई देते हैं, जब विलयन पर प्रकाश पड़ता है तो कण प्रकाश का प्रसार कर देते हैं ना, याद रखिएगा दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट है ना। इसको देखिए टॉर्च लगाने पर क्या होता है, लाइट लगाने पर क्या होता है वो दिखाई देते हैं कुछ इस तरह से क्या होते हैं। तो ये कोई आज आया नहीं, हमें लगता है कि बहुत रिवाइज बहुत हो चुका है। अपन सीधे आते हैं नए टॉपिक के ऊपर। पता नहीं क्योंकि इंटरेस्टेड है नहीं, आज कोई भी रिप्लाई कर नहीं रहा है, तो नए टॉपिक के ऊपर ही होता है। I will take a long class in which I will going to revise each and everything in a detailed manner। हम एक मैराथन लेंगे इस क्लास में, तो अपन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा मैं वीडियो लूँगा। जो स्टार्टिंग से जो संपर्क में ना आ पाएँ, जो L1 लेक्चर से लेना जुड़े हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रही है, मैं चाहूँगा कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं उनको चीज़ों को एक अच्छे वीडियो में समझा पाऊँगा। उस क्लास को आप मिस ना कीजिएगा। फूड प्रोसेसिंग से एक बार स्टार्ट कर लेते हैं अपन, है ना। तो बता देता हूँ फूड प्रोसेसिंग क्या होती है। कृषि से प्राप्त कच्चे माल को मनुष्य एवं पशु पक्षियों के द्वारा खाने योग्य बनाने में खाद्य पदार्थ परिवर्तन की प्रक्रिया की जाती है, खाद्य प्रसंस्करण की जाती है। मतलब जो भी हम रॉ मटेरियल मिलता है उसको अपन किस तरह से खाने के पदार्थ में तब्दील कर पाएँ, उसको अपन बेच पाएँ, है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, इसी को अपन कहते हैं खाद्य प्रसंस्करण या फूड प्रोसेसिंग। चीज़ को भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। डेफिनेशन के तौर पर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। इसको अपने को क्या बनाना है, किस तरह से अपन उसको आसानी से उपभोक्ता के पास तक पहुंचा पाए, उससे अपन रेवेन्यू जनरेट कर पाए, उससे अपन पैसों का, है ना, बेच पाए उस चीज़ को। उस चीज़ को अपन क्या कहते हैं, खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं, फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, इस क्लास का PDF आपको मिल सकता है इस नंबर पर मैसेज करके। जो स्टूडेंट्स ले लिए हैं उनका, उसको कोई बात नहीं, पर जिसने मैसेज करके ये PDF, इस क्लास का PDF अवेलेबल नहीं करा है, वो ले सकते हैं इस क्लास का PDF। PDF के थ्रू आप आसानी से इसको रीड करके सारी चीज़ों को रिटेन कर सकते हैं। एग्ज़ाम पास आ रही है तो वेट ना कीजिए, मैसेज करके इस चीज़ को पा लीजिए। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण के सहायक आविष्कार, यहाँ पर ये भी हम देख रखे थे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कमियाँ जो भी देखी थी ये भी अपन ने देख रखा था, कैसे कम कर सकते हैं ये भी हम देख चुके थे। कोल्ड चेन का मतलब क्या होता है देख रखा था अपन ने। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में आपको याद रखना है क्या टारगेट है हमारे, किसान को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए, किसान की आय को दुगना करने के लिए, है ना, और किसान किसी उपज की बर्बादी में कमी लाने के लिए यह योजना लाई गई है। क्या योजना है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। किसान अभी हॉट टॉपिक रहा है, इसलिए एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो किसान से जुड़ी सारी योजनाओं को आपको अच्छे से पढ़ना है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों। ठीक है, क्वेश्चंस किसान से रिलेटेड सारी चीज़ों को आना है, तो किसान से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स है उन चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना है, उनके ऊपर क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, उनके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना क्या कहती है, याद रखिएगा, 2 गुना होना चाहिए, क्या होनी चाहिए, डबल होना चाहिए, ये टारगेट है। किसान की इनकम को दोगुना बनाना है अपने को। उसके बाद क्या करना है, उनकी कृषि उपज की बर्बादी को कम लाने के लिए और उनको सही मूल्य दिलाने के लिए क्या किया गया है, ये सारी चीज़ों कनेक्शन लॉस हो गया क्या दोस्तों, बफरिंग हो रही है क्या? बफरिंग हो रही है? सब कुछ क्लियर एक बार कमेंट करके बता दीजिए। किसान संपदा योजना के बारे में समझ में आ गया आपको, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बेटर प्राइस फॉर फार्मर्स, बेटर प्राइस फॉर फार्मर, डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स, ओके, जिस रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। और वेस्टेज को, एग्रीकल्चर वेस्टेज को आपको क्या करना, मिनिमम दिलाना, उनको राइट प्राइस दिलाना, क्या है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का क्या है एक मेन एम। इसके बाद अगर अपन देखते हैं तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 क्या कहता है, इसकी क्या विशेषता है, याद रखना। इसकी विशेषता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 75% और शहर में रहने वाले 50% लोग है ना, उनको क्या है, हर टाइम हर महीने 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति अनाज, मतलब पर पर्सन के अकॉर्डिंग अनाज पाने का अधिकार है। इस अधिनियम के तहत लाभार्थियों को खाद्यान्न सस्ती दर पर चावल केवल 3 रुपये, गेहूँ 2 रुपये और मोटे अनाज को 1 रुपये प्रति किलो देना होगा। किसको देना होगा, सरकार को देना होगा। ये स्कीम उनके लिए लाई गई है, ठीक है। फिर क्या है, महिलाओं और 14 साल तक के बच्चों के लिए पोषण युक्त भोजन की व्यवस्था यहाँ पर इस नियम के अधिनियम के तहत क्या की गई है, ठीक है। मातृत्व सहयोग के रूप में गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस अधिनियम के तहत राशन कार्ड परिवार की वयोवृद्ध महिला या 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला के नाम बनता है। शिकायत निवारण के लिए राज्य स्तरीय तंत्र होगा। दोषी जो भी इसके अंदर जो भी कर्मचारी दोषी होगा उसको खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत क्या होगा, 5,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। अनाज न मिलने पर लाभार्थी को खाद्यान्न भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है। वहाँ पर क्या मिलता है, अनाज के रूप में क्या होता है, अगर उसको अनाज वहाँ पर अवेलेबल नहीं कराता है तो उसका क्या होगा, उसके फॉर्म में उसको भत्ता दिया जाएगा। भत्ते का मतलब होता है कि उसको उसका पैसे के फॉर्म में उसको क्या दिया जाएगा, उसको सुविधा दी जाएगी, ठीक है। फिर क्या है, लाभार्थियों की पहचान की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। राज्य सरकार वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अंदर खाद्य सुरक्षा अधिनियम की इंपॉर्टेंट है, इजी है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। पॉइंट्स थोड़े से ज़्यादा हैं बट आसान है, ठीक है। यहाँ पर कितने टाइप में क्लासीफाइड किया गया है खाद्य पदार्थों को, ये भी देख लीजिए एक बार। न्यूनतम प्रसंस्कृत खाद्य, संरक्षित खाद्य पदार्थ, विनिर्मित खाद्य पदार्थ, निमल प्रोसेस फूड, प्रिजर्व फूड और मैन्युफैक्चर फूड, इनके एग्जाम्पल है। बहुत ईजी है, याद रखिएगा, मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए इनको दोबारा आपको बताने से इतना मतलब है नहीं, इंपॉर्टेंट है। कनेक्शन लॉस हो गया क्या दोस्तों, बफरिंग हो रही है क्या? मैं ऑडिबल हूँ नॉट, बफरिंग हो रही है क्या दोस्तों? कुछ ठीक कराने के बाद भी क्यों प्रॉब्लम हो रहा है यार? मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग कौन, शायद बफरिंग हो रही है या नहीं हो रही है? ठीक है, ओके ओके, है ना। तो मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग क्या कहता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले देखिए इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी इस अधिनियम को लाने की। तो इसकी खाद्य मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग की रिक्वायरमेंट हमको इसलिए पड़ी क्योंकि 1965 में पहली बार अपन क्या करते हैं, किसी इसका रीज़न होता है कि अपन क्यों कर रहे हैं। तो इसका रीज़न ये था कि 1965 में वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा अन्न का संकट आया था। वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर अनाज मतलब जितनी संख्या थी उनके अकॉर्डिंग क्या था, अनाज की उपलब्धता नहीं हो पा रही थी। तो इसके तहत क्या लाया था कि ऐसी स्थिति दोबारा ना आ पाए, इसलिए इस 1965 में क्या था, इस खाद्य संरक्षण आयोग की रिक्वायरमेंट पड़ी थी, है ना। फिर इसके बाद देखिए क्या हुआ था, इसकी स्थापना, इसके भविष्य में यदि ऐसी स्थिति आती है तो अपन को क्या हो, अनाज की या खाद्य पदार्थ की कमी ना हो, इसलिए इसको लाया गया था। राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार 21 जुलाई 2017 को मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का गठन किया गया है ना। याद रखिएगा ये किसलिए कब किया गया है, 21 जुलाई 2017 को इस अधिनियम का, इस गठन का किया गया है। किसका? मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग। मध्य प्रदेश से रिलेटेड है इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। ये 21 जुलाई 2017 वर्ड को आपको याद रखना, इस तारीख को आपको याद रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, पर्याप्त मात्रा में या गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्नों को उचित मूल्य के आधार पर क्या करना, पोषण सुरक्षा के तहत क्या करना, अवेलेबल करवाना। ये इसकी जिम्मेदारी थी, याद है। इसका तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो एक नॉर्मल सी बात है, अगर खाद्य से जुड़ी चीज़ें तो यहाँ पर इसका उद्देश्य हो गई होगा। फिर इसके बाद क्या है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है 5 किलो चावल, है ना, जो मैं बता चुका हूँ, मोटा दो याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर एक और चीज़ क्या है, इसके अंतर्गत लाभ प्राप्तकर्ता को राज्य सरकार से खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। संरचना देख लीजिए, इसकी संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। इसमें 5 सदस्य होंगे, जिसमें क्या होगा, 5 सदस्य में से 2 महिलाएं होना चाहिए और एक कैटेगरी को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि एक एससी कैटेगरी से, एक एसटी कैटेगरी से होना चाहिए, है ना। एक एससी कैटेगरी का होना चाहिए, एक एसटी कैटेगरी से होना चाहिए, या 2 या 2 से अधिक राज्य संयुक्त राज्य खाद्य पदार्थ तो बना सकते हैं, है ना। ये इसके क्या है कीवर्ड से याद रखिएगा। आयोग के अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेनाध्यक्ष को राजकिशोर सिपाही होंगे, है ना। उसके सेनाध्यक्ष कौन होंगे, अध्यक्ष कौन होगा, राजकिशोर सिपाही होंगे। यहाँ पर कहा गया था, याद रखिएगा इस वर्ड को, अध्यक्ष किसको बनाया गया है, राजकिशोर सिपाही, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो और सदस्य हैं उनको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सचिव को याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो एक संख्या 2 में है। कार्यालय के अध्यक्ष और सदस्य किससे होंगे, 5 वर्ष के लिए और 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए, मतलब अगर वो क्या हो रहे 65 वर्ष से पहले अगर वो हो जाए उसके तहत या जो 5 साल का उनका क्या कार्यालय रहेगा, ये 2 नियम उसके प्रावधान के तहत बनाए गए हैं। इसका मुख्यालय भोपाल में रहेगा। नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, याद रखिएगा इसका। और आयोग के कार्य क्या होंगे इस साल के संबंध में अधिनियम के कार्यान्वयन में मॉनिटर करना होगा, इसका मूल्यांकन करना होगा। ठीक है, ये किसी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके याद रखिएगा। फिर देखें तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन यहाँ पे देख लेंगे। इंटरनेशनली यहाँ पे कौन कौन हेल्थ को यहाँ पे क्या करता है, मॉनिटर करता है, तो याद रखिएगा WHO बहुत ज़्यादा पॉपुलर में रहा था। यहाँ पर 2020 में सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा है। WHO अपने डिसीजन पावर को लेके यहाँ पर अपने जो भी इसकी अनाउंसमेंट होती थी उसको लेके, इसकी स्थापना कब हुई याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 को हुई है। WHO यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर डाला है और इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इसकी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी 1948। इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं MPPSC के फेवरेट क्वेश्चंस में से होते हैं। जिनेवा में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। कार्य क्या क्या है, कार्य इसके हैं साधारण से कार्य हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ से रिलेटेड होना चाहिए। संक्रमण या अन्य बीमारी की रोकथाम का नियंत्रण करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। पर्यावरण स्वास्थ्य को समृद्ध करना, जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है उनको वहाँ पर क्या करना, आगे बढ़ाना। परिवार के स्वास्थ्य के स्तर को सुधारने की कार्यक्रम में सहायता करना, जो भी उनके क्या होती है परिवार के लिए स्तर को, जो भी उनकी हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको दूर करना, प्रॉब्लम्स को दूर करना, उनको इंसान को क्या करना एक आगे बढ़ाना, है ना। फिर यहाँ पर जैव चिकित्सा अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देना और प्रशिक्षण संस्थानों में समृद्ध बनाने में सहायता करना, ये क्या है WHO के कार्य है। इसमें देखें तो क्या है 7 अप्रैल 1948 में क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था और हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करना, इन्फेक्शन डिसीज को, इन्वायरमेंट हेल्थ इश्यूज को आगे बढ़ाना। असाइनिंग प्रोग्राम इंक्लूडिंग लेवल ऑफ फैमिली हेल्थ, है ना, लेवल ऑफ फैमिली हेल्थ का इसको काम करना है। प्रमोट बायोमेडिकल रिसर्च एक्टिविटीज एंड असिस्टिंग एंड ट्रेनिंग सिचुएशन। ओके, ये भी कुछ इंपॉर्टेंस है, इसको याद रखिएगा। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म को याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशंस ऑफ इंटरनेशनल एंड सी फॉर चिल्ड्रन, है ना, सी फॉर चिल्ड्रन से याद रखिएगा इमरजेंसी फंडिंग, बच्चों के लिए काम करता है। यूनिसेफ का काम क्या है, ये 190 से अधिक देशों में और क्षेत्रों में बच्चों के जीवन को बचाने, उनके अधिकारों को रक्षा करने और किशोर अवस्था के दौरान बचपन से ही उनकी क्षमता को पूरा करने में मदद के लिए काम करता है। न्यूयॉर्क में इसका क्या है मुख्यालय है। लगभग 212 से 215 कुछ कंट्रीज यहाँ पर दुनिया में अवेलेबल हैं, उनमें से 190 से भी ज़्यादा में कौन काम करता है, यूनिसेफ वहाँ पर क्या है पहुँच है। वहाँ पर जो भी रूरल एरिया से बच्चे हैं या जो भी बच्चे प्रॉब्लम में है उनको वहाँ पे क्या करता है, हेल्प कराने के लिए, फंड अवेलेबल कराने के लिए किसका काम है, यूनिसेफ का काम है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस, ये भी एक चीज़ है। ये अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का काम क्या है, इसकी स्थापना 1864 में अपर हेनरी ड्यूइट ने की थी। 1990 में रेड क्रॉस सोसाइटी का लीग का गठन किया गया था। इसका मानवता की सेवा करना, है ना, क्या है ये मानवता से रिलेटेड है। मानव मतलब सिर्फ ह्यूमन से रिलेटेड ही है, किसी और टाइप की जीव जंतुओं से रिलेटेड नहीं है। उनके प्रॉब्लम को ये आइडेंटिफाई नहीं करता है और ना ही उनको सॉल्व करता है। मनुष्य से रिलेटेड जो भी मानवता के आधारित जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके लिए फंड या हेल्प को जनरेट करता है। युद्ध में, प्राकृतिक बाढ़, भूकंप आदि में मानवीय सहायता प्राप्त करने का काम किसका है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का काम है। ओके, कनेक्शन लॉस हो जाएगा दोस्तों, तो प्रॉब्लम आएगी यार। बफरिंग हो रही है क्या दोस्तों? बफरिंग हो रही है क्या? ठीक है, दोबारा से अगर बफरिंग हो रही है तो दोबारा पढ़ा दूंगा। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो तो रही है। चलिए ठीक है, स्वास्थ्य नीति है, स्वास्थ्य कार्यक्रम देख लीजिए। 2002 को स्वास्थ्य नीति के उपरांत 2017 में नवीनतम स्तर लाया गया है। खर्चे में वृद्धि एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? समस्त क्षेत्रों में नीतिगत कार्रवाई द्वारा स्वास्थ्य नीति में सुधार करना, गुणवत्ता में सुधार एवं सार्वजनिक सारे क्षेत्रों में निवारक का प्रोत्साहन। ये सब नॉर्मल चीज़ है, इनको आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आने के चांसेस नहीं। याद रखिएगा 2002 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था स्वास्थ्य नीति स्वास्थ्य कार्यक्रम को। उसके बाद इसको वहाँ पर क्या किया गया? नवीनतम किया गया, मतलब उसमें। और उसके बाद क्या किया गया? कुछ और उसमें सुधार किए गए 2017 में। फर्स्ट सबसे पहले इसको कहाँ किया? 2002 में, उसके बाद 2017 में। ये आपको सन याद रखना है। इसके जो लक्ष्य थे वो लक्ष्य में अपन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस है ना, ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी है, उनमें क्या करना? 19 तक पहुँचना। रीचिंग द स्टेटस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बाय 2025 इसका टारगेट रहा है। 2025 तक इसको करना, सही करना। फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रयोग को वर्तमान स्तर तक 50% तक बढ़ाना है ना, 50% तक क्या करना? उनको और बढ़ाना, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ को, ठीक है। फिर एक और क्या इसका संज्ञान क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? सरकार द्वारा 2025 तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में शासकीय खर्च को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता को वर्तमान को 1.15% से बढ़ाकर क्या करना? 2.5% तक करना, ठीक है। ये क्या है? इसका लक्ष्य था कि 1.15 से आपको कितना करना? उसको 2.5, ये नंबर को याद रखना, 1.15 से 2.5% करना, ठीक है। फिर 2020 तक क्या करना? 2020 तक सभी के लिए स्वच्छ जल का उपयोग एवं स्वच्छता को बना के रखना। ये स्वास्थ्य नीति के प्रमुख लक्ष्य में से एक लक्ष्य है, याद रखिएगा। 2025 तक स्वास्थ्य संरचना नेटवर्क की स्थापना करना। हृदयाघात से होने वाली आकस्मिक मृत्यु को कम करना, यह भी इस चीज़ का एक लक्ष्य था। शिशु मृत्यु दर को वर्ष 2019 तक घटाकर 28 करना। हृदय रोग, कैंसर एवं मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों से होने वाली मृत्यु दर को कम करना। कालाजार एवं फाइलेरिया 2017 तक समाप्त करना, कुछ रोगों को वहाँ समाप्त करना, 2018 तक समाप्त करना। ये किसका नाम था? स्वास्थ्य नीति के प्रमुख लक्ष्य में से एक था। फिर भारत में जीवन प्रत्याशा को वर्ष 2025 तक 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करना। एवरेज एज ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग इज 67.5 को बढ़ाकर हमको क्या करना है? 70 करना। इस चीज़ का क्या था? लक्ष्य रहा था, ठीक है। 2025 तक अगर यहाँ पर निकाले तो एवरेज इंसान की एज जो होती है उसको क्या करना है? 67.5 से बढ़ाकर 70 वर्ष करना। किसका टारगेट था? स्वास्थ्य नीति के प्रमुख लक्ष्यों से एक था, याद रखना है आपको, आने के चांसेस है एग्जाम में, ठीक है। से देखते हैं, स्वास्थ्य निधि के कार्य नीति को देखते हैं, टीकाकरण, संक्रामक रोगों से रोकना, महिला एवं बाल स्वास्थ्य पर संकेंद्रण, शील शैली आधारित रोगों का प्रबंधन। बहुत ही बेसिक चीज है, मेंस के पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के टाइम से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बेसिक चीज़ें होती है वो इसके क्या है, कार्य हैं, वर्किंग पॉलिसीज है, ठीक है। इसके सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स एक बार देख लीजिए। व्यवसायी को सत्यनिष्ठा और नैतिकता, जो किसी भी चीज़ का क्या होना चाहिए, किसी बेसिक नीति का क्या होना चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए, वही है क्या होना चाहिए, सत्यनिष्ठा और नैतिकता होना चाहिए, वही बहुत सही बात है। सबसे गरीब व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं तक के पहुँचना है तो सकारात्मक कार्रवाई करना, ये इसके प्रिंसिपल्स हैं। समावेशी भागीदारी, सभी को मिलकर काम करना, व्यापकता इसको बढ़ाना और रोग केंद्रित और गुणवत्ता देखभाल जवाबदेही समावेशी भागीदारी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसके सिद्धांत क्या आता है, इसके जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ पॉलिसी है उसके अंतर्गत आता है। तो किसी भी साधारण हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत आना चाहिए उन चीज़ों को है। मैंने आप इसी को देख लिया है, पढ़ लेना है, इसमें ज़्यादा चांसेस नहीं है, क्वेश्चन बनने के चांसेस इसके कम है, ठीक है। फिर देखिए तो ये बहुत सारे यहाँ पर इसके बिंदु हैं, की पॉइंट्स है, उसको भी याद रखिएगा। मातृ शिशु उत्तरजीविता कार्यक्रम विकास, शिशु एवं किशोर स्वास्थ्य, पोषण एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियों को दूर करने हेतु प्रयास करना, संक्रमण रोग को नियंत्रण करना, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्षय रोगों को यहाँ पर कम करना, सार्वभौमिक टीकाकरण, राष्ट्रीय टीकाकरण नीति 2011 जो बनी थी उसकी जो कमियां थी उसको यहाँ पर क्या करना, दूर करके उनको इम्प्रूव करना, वेक्टर जनित रोग नियंत्रण, कुष्ठ रोग उन्मूलन, गैर संक्रामक रोग नियंत्रण, ये सारी जो पॉलिसीज हैं उनमें क्या क्या चीज़ें वहीं से मैंने उठा के यहाँ पर लिखा हुआ है ना, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं डाला है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी क्या है लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो याद रखिएगा। जनसंख्या स्थिरीकरण, मानसिक स्वास्थ्य, महिला स्वास्थ्य, महिलाओं को मुख्यधारा में लाना, लिंग आधारित हिंसा में कमी करना, आपातकालीन देखभाल एवं आपदा की तैयारी करना, आयुष प्रणालियों की संभावना को मुख्यधारा तक लाना, चिकित्सा शिक्षा विकास, स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन विकास, इन सारी चीज़ों को क्या है इस तरह के यहाँ पर इस चीज़ के टारगेट रहे हुए हैं। इसको पढ़ लीजिए एक बार। स्वास्थ्य योजना में देखिए तो आयुष्मान योजना है, आयुष्मान योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने में महिला उत्कृष्ट चिकित्सा में उपलब्ध कराना, ये इसका एक क्या था, आयुष्मान योजना है, ठीक है, आयुष्मान योजना ही आयुष्मान योजना है। इसका शुभारंभ 1991 में किया गया था, है ना। इसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन, जो भी लोग गाँव में रह रहे हैं और गरीब रेखा से भी क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं, उन महिलाओं को उत्कृष्ट चिकित्सा उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य रहा है। 1991 में क्या था, स्टेब्लिश हुई थी, लॉन्च हुई थी। फिर विजय राजे जननी कल्याण बीमा योजना, इसका क्या था आरंभ, उसका 2006 में हुआ था, 2006 में इसका उद्देश्य। और इसके बाद क्या याद रखने वाली चीज़ें इसमें, गरीब रेखा से नीचे यापन करने वाली महिलाओं को प्रसव संबंधी, है ना, प्रसव संबंधी जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मेडिकल फैसिलिटी उनको सुविधा प्रदान करना और निःशुल्क प्रसव सुविधा के साथ साथ 1000 रुपये की आर्थिक सहायता करना, विजय राजे जननी कल्याण बीमा योजना का कारण रहा है इस चीज़ को लाने के लिए। वर्ष 2006 में इसको लॉन्च किया गया था, याद रखना है। फिर मंगल दिवस कार्यक्रम 2007 में इसका आरंभ हुआ था। उद्देश्य क्या था, समाज में कुपोषण को समाप्त करने हेतु विविध कार्यक्रम का आयोजन करना, इस चीज़ का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य रहा है। इसके अंतर्गत माँ के प्रथम मंगलवार को गोद भराई, तिथि मंगलवार को अन्नप्राशन, तिथि मंगलवार को जन्म दिवस किशोरी, इस तरह की चीजों को यहाँ पर इसका उद्देश्य रहा है, याद रखिएगा। लाडो अभियान, सीधी सी बात है, लाडो अभियान क्या है, महिलाओं से इससे रिलेटेड है। लाडो अभियान क्या है, 2013 में इसको लॉन्च किया जाता है। सन को याद रखना है, पूछा जाता है, एमपीपीएससी फेवरेट यहाँ पर पूछा जाता है, सन कहाँ होता है। जन समुदाय की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव के साथ साथ बाल विवाह जैसी कुरीतियों को सामुदायिक समानता से समाप्त करना, लाडो अभियान का यहाँ पर क्या है लक्ष्य रहा है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लाडो अभियान के अंतर्गत बाल विवाह को रोकने हेतु प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 2014 में लोक प्रशासन से उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा मैं आपको एक कोशिश बताऊँ कि इन चीज़ों का अगर आप देखें कि एग्जाम में इतनी सारी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ आएंगे, है ना। इसका देखो एग्जाम की प्रिपरेशन में 360 फॉर्म में करना चाहिए ना, 360 डिग्री में करना चाहिए। 360 डिग्री में करना चाहिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर, है ना, महिला यहाँ पे क्या आती है, महिलाओं से रिलेटेड चीज़ें मेंस में पूछी जाती है, आप उन्हें अच्छे से जानते हैं। कहने का मेरा मतलब ये कि जब वहाँ पर आप ऐसे लिखें या अपने कोई आंसर इस्टेब्लिश करें, आंसर लिखें, तो हमेशा वहाँ पर होता है कंटेंट को कैसे प्रिपेयर करें। तो इन चीज़ों को आपको एग्जाम्पल के थ्रू जानना है, फैक्ट बोलते हैं इसको, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको अपने आंसर में यहाँ पर क्या इम्प्लीमेंट करना है। कि अगर आपसे किसी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके विचार क्या हैं। तो विचारों को जब आप लिखें तो आपको याद रखना है कि फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि या ऐसे पूछा गया है कि जिसमें आपको कंटेंट लिखना है महिलाओं से रिलेटेड या सशक्तिकरण के बारे में लिखना है या किस तरह की चीज़ों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो आपको और किस तरह से हमको हेल्प की जा सकती है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए या इन कुरीतियों को दूर कैसे किया जा सकता है। तो आपको वहाँ बताना होगा कि इस टाइप के यहाँ पे नियम भी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा यहाँ पर नियम किए जा रहे हैं, इन प्रावधान के तहत हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं। तो 360 डिग्री का मतलब यही होता है कि हम चीज़ें एक को पढ़ें और उसका फ़ायदा हम पर कहाँ पर किस तरह से डालें। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इन अभियानों को ताकि आपको एग्जामिनर को वहाँ पर लगे भी सही कि आपको वहाँ चीज़ें आती है और कंटेंट को वहाँ पर सही कराने के लिए क्या ठहराया जाए, मतलब आपका कंटेंट गलत ना हो और वहाँ पे क्या ना है लोगों से हटकर हो, नॉर्मल जो आंसर्स लिख रहे हैं उनसे क्या हो डिफरेंट हो। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। इन चीज़ों को आपको इस तरह से भी यहाँ पर याद रखना है कि आप किस चीज़ का कहाँ यूज़ कर पा रहे हैं। तो इन पॉलिसीज़ का यूज़ करके भी आप अपने आंसर को थोड़ा सा डिफरेंट अन्य आंसर से डिफरेंट कर सकते हैं। आप वहाँ पर एग्जामिनर को कारण दे सकते हैं कि वो आपको मार्क्स क्यों दें। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सुस्पष्ट रूप से आपको आंसर लिखना चाहिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को आपको इस तरह से करना चाहिए ताकि चीज़ें आपको याद भी रहें। ठीक है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना 2010 से 2011 में मध्य प्रदेश के चयनित व जिला सागर छिंदवाड़ा से यहाँ पर इसका क्रियान्वयन हुआ है। इसकी स्वीकृति 24 दिसंबर 2011 को की गई थी। उद्देश्य क्या था, गर्भवती और देहाती महिलाओं को उनके बच्चों के जन्म के पूर्व एवं पश्चात मजदूरी में होने वाली हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति एवं गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना इसका क्या है उद्देश्य रहा है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना 2010 और 2011 इनके सन को भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। ओके। उदिता योजना, उदिता वैसे तो बहुत सारी स्कीम्स है लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट स्कीम्स को यहाँ पर क्या है पुट किया है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स को यहाँ पर डाला है जो उनको लगा है कि हाँ ये महिलाओं से जुड़ी है और ये इम्पॉर्टेंट है जो कि पूछी जा सकती है। इसका उद्देश्य क्या है, किशोरी के मासिक धर्म है ना जो पीरियड्स टाइम होता है महिलाओं का, उनसे मासिक धर्म से संबंधित स्वास्थ्य योजना को बढ़ावा दिया जाना। योजना किशोरियों में पोषण स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए एक मंच तैयार करके किशोरियों के लिए कार्यकलाप तैयारी करती है ना। सभी किशोरी महिलाएं 18 से 49 वर्ष की महिला लाभार्थी होंगी। जो भी 18 से 49 वर्ष की महिला है उन चीज़ों को उनकी हेल्प कराने के लिए उदिता योजना का यहाँ पे क्या किया गया है स्टार्ट किया गया है। लाभ क्या है इसके, आंगनबाड़ी केंद्र में स्थापित उदिता कॉर्नर के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन पोषण एवं स्वास्थ्य अधिकारियों पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर प्रशिक्षित किया जाता है। इनसे चीजें जो भी है उनको यहाँ पर क्या किया जाता है इम्प्लीमेंट किया जाता है कि वो किस तरह से इस चीज़ को अच्छे से अपनी लाइफ का ध्यान रखते हुए हाइजीन के फॉर्म का अपना ध्यान रखते हुए उनको चीज़ को यूज़ कर पाए। तो उदिता योजना का किस तरह लेते हैं आपको याद रखना है, यहाँ पर याद क्या रखना है 18 से 49 ईयर ये एज ग्रुप के लिए यहाँ पे क्या है उदिता योजना हेल्पफुल है। पर्पस याद रखना है और उसके बेनिफिट्स कौन कौन से याद रखिएगा। ओके। फिर आती है लालिमा योजना। लालिमा योजना के आंगनबाड़ी केंद्र पर 9 माह से 5 वर्ष के आने वाले बच्चों को एनीमिया से बचाव हेतु आयरन फॉलिक एसिड से खुराक दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, बच्चे और महिला यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रही है किसी भी एग्जाम के लिए, तो उनसे जुड़ी चीज़ों को मैंने यहाँ पे डाला है। फिर बात आती है मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना। ये स्कीम क्या कहती है, इसका उद्देश्य क्या है, उच्च जोखिम गर्भावस्था की शीघ्र पहचान सुरक्षित प्रसव गर्भवती एवं शिशु के उपरांत टीकाकरण और स्तनपान को समुचित बढ़ावा देना, महिला एवं शिशुओं के स्वास्थ्य वर्धक व्यवहारों के प्रोत्साहन हेतु नगद प्रोत्साहन राशि से अनुकूलन वातावरण का निर्माण करना इस योजना का उद्देश्य है। लाभ क्या है, 18 वर्ष से अधिक की आयु होना चाहिए गर्भवती महिलाएं हो, सीधी सी बात है। फिर संबंधित महिला असंगठित कर्मकार में पंजीकृत हो, शासकीय चिकित्सालय में प्रवेश होने की स्थिति में एवं प्रसूति सहायता का लाभ अधिकतम 2 जीवित उन में प्रवेश हेतु मान्य होगा, ये इसके लाभार्थी रहेंगे। फिर आती है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना क्या है, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है एवं सुरक्षित प्रसव गर्भवती एवं शिशु के जन्म उपरांत टीकाकरण में स्तनपान को समुचित बढ़ावा देना, महिला एवं शिशु के स्वास्थ्य वर्धक व्यवहारों को प्रोत्साहन करना जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य हुआ है। लाभार्थी कौन है, समस्त गर्भवती महिला एवं प्रसव शासकीय योजना लाभ शहरी एवं क्षेत्र हेतु 1000 रुपये एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु 1400 रुपये देने का प्रावधान इस जननी सुरक्षा योजना के तहत किया गया है। ठीक है, एग्जैक्ट जो भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट की गई है सरकार के द्वारा, जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट से जो लिखा हुआ है वही को मैंने उसी चीज़ों को यहाँ पर मैंने डाला है। एज इट इज़ यहाँ पे क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो इसी टफ फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन शब्दों को आपको याद रखना है, घुमा के पूछे जा सकते हैं तो तब बना सकते हैं क्वेश्चंस को। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है ना, जो भी चिल्ड्रंस के लिए क्या क्या यहाँ पर काम किए गए हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2 दिसंबर 2013 से मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम तहत क्या राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में और स्कूलों में जो 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए है ना, 0 से 18 तक के वर्षों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण किए जाएंगे है ना। फिर उषा किरण योजना, तहसील में जन्मी महिलाओं एवं युवतियों घरेलू सहायता, तहसील परीक्षा महिला परीक्षा अधिनियम 2005 से पहले 27 मई 2017 को फर्स्ट डिपॉजिट प्रोडक्शन की स्कीम को रद्द करके पुलिस सहायता, परामर्श, चिकित्सा सहायता और पुनर्निवास सुविधा की वकालत की गई थी उषा किरण योजना के तहत है ना। थोड़ी सी लैंग्वेज सब पड़ रही है पर कोई बात नहीं है ना, इम्पॉर्टेंट है उन चीज़ों को मैंने डाला है। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, कम से कम बहुत सारी स्कीमें है ना, कम से कम 300+ स्कीम्स यहाँ पर सरकार के द्वारा लाई गई है, शायद उससे भी ज़्यादा, लेकिन इतनी सारी स्कीम्स को याद करने से कंफ्यूजन पैदा होगा तो मैंने इंपॉर्टेंट डाला है थोड़ा रिस्क फैक्टर के साथ आपको। लेकिन एटलीस्ट इन योजनाओं को क्या करना है जो मैंने पुट किया है स्लाइड्स में, जो मैंने पुट किया है, और इसका PDF भी आपको बता दूँ, दोबारा आपको बता रहा हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, तुरंत आपको मैसेज करने के बाद इसका PDF, इस क्लास का PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा पूरे यूनिट 7 का। ठीक है, तो देर मत कीजिए, एग्ज़ाम पास है, मैसेज करके ये प्राप्त कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल पाए। ठीक है, आपको इसका कोई चार्ज नहीं देना है, आपको सिर्फ मैसेज करने की रिक्वायरमेंट है, मैसेज करने के बाद आपको इसके ऊपर PDF मिल जाएगा। ठीक है, फिर आयुष्मान भारतीय योजना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट योजना है, इसके बेस पर 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कि यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना क्या है, सबसे बड़ी योजना है ये, वर्ल्ड लेवल पे है। ठीक है, मैंने आपको बता चुका है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूनिक हो, थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन को ज़्यादातर चांसेस होता है कि स्टूडेंट्स कर जाएंगे। ठीक है, तो आयुष्मान भारत योजना क्या है, क्या कब किया गया था, ये प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च की गई है। दूसरी ये दुनिया की, इंडिया की नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ पॉलिसी है ये, इसलिए भी आपको याद रखना है। इसके अंदर क्या क्या होता है कि 5 लाख तक अगर आपने प्रधानमंत्री योजना के तहत कार्ड बनता है, उस कार्ड में क्या होती है, कार्ड को दिखाने के बाद किसी भी हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज यहाँ पर अवेलेबल कराती है सरकार। ठीक है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत मध्य प्रदेश में 15 अगस्त 2018 से आयुष्मान भारत योजना की शुरू की। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मुफ्त में 5 लाख रुपए और 60% विकास में 5 लाख रुपए देने का यहाँ पे क्या है, प्रावधान है। ठीक है, लालिमा अभियान को याद रखिएगा। लालिमा अभियान क्या है, लालिमा अभियान 2017 में मध्य प्रदेश में बच्चों को, लड़कियों को, महिलाओं को एनीमिया की बीमारी से मुक्त करने के लिए लाया गया है। मुख्यमंत्री बाल कल्याण उपचार योजना 2015-16 में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत शुरू की गई थी। इस योजना के तहत विशेष परिस्थितियों में विशेष चिकित्सा उपचार के बाद पूरे बच्चे के जन्म में अटेंडेंस को 5 वर्ष की अवधि, अधिकतम 7 वर्ष तक उपचार प्रदान करना, इसका क्या रहा है, उद्देश्य रहा है मुख्यमंत्री बाल कल्याण उपचार योजना के तहत। ठीक है, फिर मुख्यमंत्री कल्याण सहायता योजना मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की ओर विशेष ध्यान देते हुए 2018 में विधवाओं के प्रति सम्मान सूचक शब्द कल्याण का प्रयोग किया गया। कब, 2018 में। मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना प्रारंभ करने के दौरान इस योजना के अंतर्गत 18 से 79 वर्ष तक की विधवाओं को 300 रुपये मासिक वेतन प्रदान किया जाएगा। तो किसके लिए किया गया है यहाँ पर, विधवा महिला जो होती है उनको अधिक आदर के साथ हेल्प करने के लिए मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना को लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, सन याद रखिएगा 2018, पैसे याद रखिएगा 300 रुपये मासिक, ठीक है। उम्र आपको याद रखनी है 18 से 79 वर्ष तक। इन चीजों को मैं आपको बता रहा हूँ, उन चीजों को आपको याद रखना है। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 में गर्भावस्था के दौरान बच्चे को जन्म देते हुए माता की मृत्यु दर को कम करना इसका उद्देश्य रहा है, और बच्चे के जन्म को सुरक्षित बनाना, यही क्या है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। मातृत्व मतलब माँ से रिलेटेड है, माँ से रिलेटेड किस चीजों को याद रखना है, गर्भावस्था में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो सुरक्षित हों, और वो जो प्रक्रिया होती है उस दौरान वो प्रक्रिया क्या भी क्या हो, आराम से या किसी महिलाओं को तकलीफ से बचाते हुए वो प्रक्रिया को सुगम बनाना इस मिशन का, इस स्कीम का क्या रहा है, उद्देश्य रहा है ना, एम रहा है। इस चीज को याद रखिएगा। मिशन इंद्रधनुष वर्ष 2017 में मिशन इंद्रधनुष को लाया गया। इसका उद्देश्य उन बच्चों को 2020 तक टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं ना, और टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी से रोकने जैसे 60 टीके शामिल हैं। तो मिशन इंद्रधनुष को आपको याद रखना है किस लिए किया गया है। फिर पोषण अभियान, पोषण अभियान में क्या है, वर्ष 2018 में इसे लाया गया है। इसका उद्देश्य याद रखना है बच्चों में कुपोषण एवं बालिकाओं जिन्हें पोषण पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने महिलाओं माताओं में पोषण की कमी को सुधारना और बच्चों के विकास की कमी ना आए, कुपोषण एवं अनीमिया का शिकार न हो, इस पर ध्यान देने के लिए ऐसा अभियान को लाया गया है। स्कीम से जो चीज़ें हैं सटीक हैं, इनमें कोई ज़्यादा वेरिएशन आपको करना नहीं, एज इट इज आपको याद रखना है कि वह स्कीम क्या कहती है, ठीक है। कुछ चीज़ें तो आपको याद रखना है। पोषण है, याद रखने का तरीका क्या है, याद रखने वाली जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सन है कि कब लाया गया है, 2018 में लाया गया है। पोषण है तो सीधी सी बात है, महिलाओं याद रखना, बच्चों एवं महिलाओं यहाँ पे है ना, महिलाओं की बात है, उनमें जो भी न्यूट्रिशंस की कमी आ रही है उन न्यूट्रिशंस की कमी को यहाँ पर पूरा करना है, और जो कुपोषण से बच्चे को कुपोषण के शिकार हैं या उनको क्या करना है, हेल्प करने के लिए पोषण अभियान को यहाँ पर लाया गया है, याद रखना है। सन याद रखना है 2018, महिलाओं बच्चों के लिए यहाँ पे हेल्पफुल रहा है। फिर याद रखना है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो यहाँ पे बाल से बच्चे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, नेशनल है ये। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य 18 से अधिक वर्ष की उम्र के बच्चों को 4 प्रकार के परेशानियों को जांच करना है, उनको किस तरह की बीमारी है, विकार है या कमी है किसी चीज़ की, विकलांगता सहित जो भी उनके रुकावट आ रही है प्रोग्रेस में उनको ना होने दें या उनको दूर करने के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को लाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपन।